नमस्कार, मैं रमेश शर्मा आज फिर से स्वागत कर रहा हूं आपका जीवन उत्साह न्यूज चैनल पर। और आज हम एक और बहुत ही बड़ी समस्या के ऊपर आपको लेके आ रहे हैं। जैसा कि हम लगातार आपके बीच में बहुत सारी समस्याओं को लेकर आते हैं जो आपके क्षेत्र से जुड़ी होती हैं और जुड़ी होती हैं जनता की समस्याओं से, जनता की सुविधाओं से। आप उसको यूं समझ लीजिए कि जनता के पैसे की बर्बादी किस तरह से की जाती है, ये एक और वाक्य के रूप में आपके बीच में लाना चाहूंगा। ये न्यूज जुड़ी है महारल से सठमी जाने वाले रोड पर जो एक खड पड़ती है, जिस खड को बग्गी और होलत खड के नाम से जाना जाता है। इस खड के ऊपर बने हुए एक फ्लाईओवर के ऊपर मैं खड़ा हूं। ये फ्लाईओवर जहां तक स्थानीय निवासियों का कहना है लगभग 4.5 से 5 साल पहले बनाने का काम शुरू हुआ था और बन गया था, किंतु 4.5 साल के बाद भी इस फ्लाईओवर के ऊपर अभी तक कोई गाड़ी नहीं जाती है और ना ही इस फ्लाईओवर के कार्य को अभी तक पूरा किया गया है। मैं आपको खबर की तरफ ले जाने से पहले आपको पहले दिखाना चाहता हूं इस पुल की परिस्थिति, ये पुल कैसा है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो आए और दिखाएं इस पुल का यहां से शुरुआत। ये पुल अभी तक रोड के साथ कनेक्ट नहीं है। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये महारल के लिए जा रहा है और महारल की तरफ जाते जाते इस रोड पे पूरी तरह से खड्डे पड़े हुए हैं। सठमी पंचायत के अंतर्गत ये रोड आता है। इस रोड के अंदर लगभग सारे गांव को अगर स्थानीय निवासियों के हिसाब से देखा जाए तो 7 से 8 गांव पड़ते हैं जिनका ये रास्ता है। सरकार ने सुविधाएं देने का बहुत बेहतरीन प्रयास किया है, लोगों के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण किया है, किंतु इस पैसे को लगाने का औचित्य क्या हुआ? आखिर 5 सालों में इस पुल को कंप्लीट क्यों नहीं किया गया? कौन इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं? इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है और क्योंकि जानकारी जब तक प्रशासन नहीं देगा तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा। स्थानीय निवासियों ने कई बार इसके बारे में शिकायत की है किंतु अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। करोड़ों रुपया इस पुल को बनाने के लिए लगाया गया है, आखिर इस पुल का कार्य क्यों रुका हुआ है, क्यों बाधित है, इसके पेमेंट्स का क्या शेड्यूल है, क्या स्टेटस है, क्या कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दिया गया है या नहीं दिया गया है, अगर दिया गया है तो किस हिसाब से दिया गया है, ये सब सवाल आपके बीच में आएंगे और प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है। और प्रशासन के साथ हम बात करने से पहले आपके बीच में इस समस्या को ला रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार कैमरामैन मेरे साथ आगे चले, मैं इस पुल का दूसरा हिस्सा भी दिखाऊंगा। पुल के एक कोने से मैं आपको दूसरे कोने पर लेकर आ रहा हूं और मैं चाहूंगा कि कैमरामैन इस कोने को भी दिखाएं। ये कोना जो आप देख रहे हैं ये भी अभी रोड से कनेक्ट नहीं है और पिछले 5 सालों से ये पुल ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको कोई भी देखरेख करने वाला नहीं है। आखिर क्या कारण है ये प्रशासन को जरूर समझना चाहिए और क्या ऐसी समस्या है जिसकी वजह से इस पुल का निर्माण रुका हुआ है और क्या इसका जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिला है क्या पूरा हो चुका है या क्या स्टेटस है, ये समझना बहुत जरूरी है। आखिर 5 सालों से किसी भी चीज को बनाकर रखना और उसका उपयोग ना आना किस तरह का नियम है और किस तरह से इस बात को हजम किया जा सकता है कि आखिर इस पुल को क्यों रखा गया है। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन एक बार यहां से इस पुल को दिखाएं और आप देखेंगे ये जो रोड आप देख रहे हैं ये महारल से सठमी के लिए रोड जा रहा है, यानी इस रोड पे आगे आप जाएंगे तो सठमी ऊपर मिलेगा और अगर इधर वापसी जाएंगे तो महारल मिलेगा। रोड की हालत पूरी खराब है और ये खड के ऊपर पुल बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि एक बार दिखाएं कि इस पुल का निर्माण कार्य पिछले 5 सालों से क्यों रुका हुआ है, आखिर क्या कारण है। तो मैं आपको यहां पर इसका नीचे का हिस्सा भी दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि इस पुल को कहां से बनाना शुरू किया गया है और कैसे बनाया गया है। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन मेरे साथ आएं और एक बार कैमरामैन पीछे पूरे पुल को नीचे उतरकर पूरे फ्लाईओवर को दिखाएं और एक बार उनको दिखाते हुए दिखाएं कि ये फ्लाईओवर की कंडीशन क्या है। इस फ्लाईओवर को पिछले 5 सालों से बनाकर केबल छोड़ा हुआ है, आखिर कारण क्या है, क्या कोई विभाग को इसके अंदर कोई समस्या आई है, क्या कॉन्ट्रैक्टर को कोई समस्या आई है, आखिर 5 सालों से किसी भी निर्माण कार्य को पूरा नहीं करने का कारण क्या है। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, समस्या गंभीर है क्योंकि लोगों से जुड़ी हुई जनसुविधाओं को लेकर एक बात है। जनसुविधाएं इसलिए क्योंकि मैं आपको यहां से दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरामैन से चाहूंगा, यहां पर एक खड्ड बहती है और बरसात में यहां पर पानी भर जाता है
आप देखेंगे बच्चे स्कूल वाले भी आ रहे हैं, आपके सामने स्कूल से बच्चे आते हैं, इसी पानी में से बच्चे निकलने के लिए मजबूर हैं। आखिर 5 साल से सरकार क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है और क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से इस पुल को रोका गया है? ये बहुत ही सोचने सवाल है। अभी हम आपको आगे भी ले चलते हैं और खड में से हम इसको आपको दिखाते हैं। मैं प्रशासन के बीच में इस बात को रखना चाहता हूं कि क्या 5 साल से बने हुए पुल को कंटिन्यू करने का कोई कारण नहीं बना और उसके बावजूद भी उसका जो कार्य है वो अधूरा है, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। और अधूरे कार्य के अंदर 5 सालों के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट क्यों नहीं किया गया, और अगर किया गया तो किस आधार पे किया गया, किस तरह से कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया और किस तरह से उसके कार्य को चेक किया गया, बड़ा सवाल है, बड़ा प्रश्न है। एक बार मैं आपको इस फ्लाईओवर को दिखा देता हूं, मैं चाहूंगा कैमरामैन से एक बार वहां से लेकर और यहां तक इस कोने तक पूरा दिखाएंगे, इस कोने तक चलते हुए दिखाएंगे, ये यहां से चलते हुए आप पूरे फ्लाईओवर को देखेंगे और पूरे फ्लाईओवर को आप देख रहे हैं। ये जो फ्लाईओवर बना हुआ है, लगभग 5 वर्ष इस फ्लाईओवर को बने हुए हो गए हैं, किंतु अभी तक लोगों के लिए इसको खोला नहीं गया है। आखिर क्या कारण है, आखिर क्या वजह है, ये प्रशासन को जरूर समझना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आपके सामने केस आएंगे, बहुत सारी घटनाएं आपके बीच में आएंगी, क्योंकि जीवन उत्साह हमेशा प्रयास करता है कि लोगों की छोटी से छोटी समस्या को प्रशासन तक पहुंचाया जाए और ईमानदारी से हम ये प्रयास करना चाहते हैं। अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी हो, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, तो प्रशासन तक पहुंचाने के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागे और देखे कि किस तरह से समाज के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर समस्याएं भरी पड़ी हैं। इन समस्याओं का समाधान प्रशासन नहीं करेगा तो आखिर कौन करेगा? सवाल बना है तब तक जब तक प्रशासन इसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, जब तक इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करता है। कैमरामैन चंदेश कुमार के साथ में मैं रमेश शर्मा, जीवन उत्साह न्यूज से, थैंक यू वेरी मच।